दिल्ली सत्र न्यायालय की परीक्षा जींद में फोन के जरिए ऑनलाइन बैठकर करवाई जा रही थी पास, पुलिस को बनक लगते ही की रेड। हरियाणा पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामला यूं है कि हरियाणा के जींद में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आज दिल्ली जिला सत्र न्यायालय में कुछ पदों की परीक्षा है। जो परीक्षा 2 सत्रों में है, जो इस संबंध में गांव काकड़ोड़ के खेतों में कृष्णवासी काकड़ोड़ के खेत में बने मुर्गी फार्म के साथ लगते घर में पेपर लीक व सोल्व करने वाले गिरोह के काफी सदस्य मौके पर मौजूद है तथा कृष्ण ने अपने घर की छत पर एंटीना वाला बड़ा वाईफाई लगा रखा है। गिरोह के सदस्य वहीं बैठकर मोबाइल व ब्लूटूथ से पेपर सोल्व कर रहे हैं। इस गिरोह का सरगना अशोक पुत्र वजीर वासी काकड़ोड़, जो स्वयं को हरियाणा पुलिस का सिपाही बताता है तथा उसने अपना नकली पुलिस का पहचान पत्र बनवा रखा है। यह गिरोह सक्षम परीक्षार्थियों की जगह असक्षम परीक्षार्थियों को मोटी रकम लेकर पेपरों में पास करवाते हैं तथा गिरोह सक्षम परीक्षार्थियों व प्रशासन के साथ धोखाधड़ी व छल कर रहे हैं। जिस सूचना पर थाना प्रभारी उचाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 60 दिनांक 28/2/2021 धारा 420 IPC व 66 IT एक्ट थाना उचाना में दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिनसे भव्य सैनी की रिपोर्ट। कामयाबी मिली है, किसकी सूचना थी सर? देखिए, आज SHO उचाना को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि काकड़ोद गांव के पास मुर्गी फार्म के पास एक घर बना हुआ है, जिसमें कुछ लोग दिल्ली जो जिला सत्र न्यायालय की परीक्षा थी ग्रुप डी की, उसके पेपर लीक करवाने का काम कर रहे हैं। तो सूचना मिलते ही तुरंत SHO ने FIR दर्ज करने के बाद वहां पे CIA की मदद से रेड की, और वहां से रेड जब की गई पुलिस के द्वारा तो कुछ आरोपी वहां से सूचना मिलने पर फरार हो गए और 3 आरोपियों को पुलिस ने वहां से राउंड अप कर लिया। इसके अलावा वहां से कुछ मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं और पेपर को लीक करने से संबंधित कुछ आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद किए हैं। सर, प्रथम पूछताछ में किस तरीके से ये पेपर लीक करते थे जो पकड़े गए? देखिए, FIR दर्ज कर ली गई है, 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और उनसे अभी डिटेल में पूछताछ की जा रही है। उनका क्या मोडस ऑपरेंडी था और उनके साथ और कौन लोग वहाँ पे शामिल थे, वो सारी बातें दौरान इन्वेस्टिगेशन क्लियर की जाएंगी। सर, पहले भी किस पेपर में शामिल रहे? देखिए, जाँच का विषय है और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारी बातें क्लियर की जाएंगी कि आज से पहले भी इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है या नहीं, और इस पेपर से संबंधित भी सबूत जुटाए जाएंगे। जो 3 पकड़े हैं सर, वो कौन से सरकारी, कोई बता रहा है कि सरकारी जॉब में भी हैं? देखिए, उनसे भी पूछताछ जारी है। उनमें से 1 काकड़ोद का और 2 दिनोदा गांव के रहने वाले हैं। सरकारी जॉब पर जो पकड़े गए उसके बारे में भी अभी कंफर्मेशन की जाएगी। काकड़ोद से कौन है सर? अशोक, उनके नाम अभी आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। अभी उनके जो गांव के नाम है वो मैंने आपको बता दिए। सर, दिल्ली पुलिस ने रेड मारी थी पहले? नहीं, ये SHO उचाना से ही हमारी जो आज की SHO उचाना को जो मुखबरी प्राप्त हुई थी उसके बाद ये सारी कार्रवाई अमल में लाई गई है। सर, सुनने में ये भी आया कि जब पेपर स्टार्ट हुआ था तो दिल्ली पुलिस को भी टाइम पता चला था पेपर हैंग हो चुका है, तो क्या दिल्ली पुलिस ने फोन किया था यहाँ पर? देखिए, हमारे पास दिल्ली पुलिस के तरफ से कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। वहाँ भी कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, कितने लोग थे टोटली इस तरीके से देखा जाए तो जो वहाँ? अभी जो हमें प्रारंभिक तौर पे पता चला है तो वहाँ पे इनके साथ 4-5 लोग और थे जो वहाँ से फरार हो गए और 3 लोगों को मौके से राउंड अप कर लिया गया। सर, गाड़ियाँ भी, कुछ व्हीकल्स भी वहाँ से, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। कंप्यूटर वगैरह क्या बरामद हुआ है? कुछ मोबाइल फोन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो परीक्षा में नकल करवाने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो सर, अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि पेपर सोल्व कर ऑनलाइन करवा रहे थे, कैसे करवा रहे थे? देखिए, अभी बहुत ही प्रारंभिक जांच है, अभी हमने उनको राउंड अप किया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन और डिटेल इंटेरोगेशन भी की जाएगी और जो भी बातें इंटेरोगेशन में हम पुलिस रिमांड में लेंगे उसके दौरान जो भी बात हमें पता चलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का है कि इवनिंग शिफ्ट का था? पेपर की 2 शिफ्ट बताई जा रही हैं, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का पेपर था। ये सारी बातें अभी क्लियर की जाएंगी, इसके ऊपर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन।